ये है लुक फाइन टेलर, इनका कॉन्टेक्ट नंबर ये है। ये मेरे छोटे भाई नदीम कुरैशी, ये हमारे कारीगर महोदय छोटे भाई, ये सब मिलके अभी तक ना ना करते 7-8 हजार मास्क बना चुके हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में बांटे जा रहे हैं। यहाँ से आदेश नगर भूमि जी की छतरी पर से प्लॉट नंबर 57 लुक फाइन टेलर के नाम से इनकी शॉप है। इनको काफी लोगों ने कहा भाई तुम पैसे ले लो, इन्होंने कोई पैसे किसी से नहीं लिए। और ये मास्क आप देखिए, ये वॉशेबल मास्क है, कपड़े के मास्क हैं, ये वॉशेबल है, डोरी वाले मास्क हैं, ये कोई इलास्टिक वाले नहीं है ये। और काफी सारे बना चुके हैं और अभी रेगुलर इनका चल रहा है मास्कों का। ये देखिए आप, डेली मोती डूंगरी थाना और भी कई जगह, ये आर्य समाज बहुत सी जगह बांट चुके हैं। इनका खुद का कपड़ा है, ये सब इनका कपड़ा है और खुद ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। नदीम भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? साहब मैं तो ये कहूंगा, जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसा हमारे देशवासी एक दूसरे के लिए कोशिश करते रहें, जिससे जैसा हो सके अपने साथ वाले अपने पड़ोसी की मदद करने की कोशिश करें। और इस लड़ाई चल रही है, हमारी मुहिम चल रही है कोरोना के खिलाफ, इसको कोरोना को हराने में अपने पूरी पूरी कोशिश करें और ज्यादातर घरों से ना निकले, घरों में रहें, जैसे भी कोई काम हो अपने घरों में करने की कोशिश करें। धन्यवाद सर, थैंक यू। आप सर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं गुड्डू कुरैशी यही कहना चाहूंगा लोगों से कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और एक दूसरे की पड़ोसी की मदद करें। बस जय हिंद। तो ये थे हमारे नदीम भाई, जो कि अभी तक इनको 10 दिन हो गए मास्क बनाते हुए। पर डे के 300, 400, 500 मास्क ये पर डे बनाते हैं और हमारी पूरी कॉलोनी में अभी तक ना ना करते कोई 4 से 5 हजार तो मास्क ही बांट चुके हैं निःशुल्क। ना तो ये कपड़ा भी इन्हीं का खुद का है, ना तो कोई कपड़े के पैसे, ना मैन्युफैक्चरिंग के पैसे, ना मेहनत के पैसे। मैंने इससे एक दिन पूछा, मैंने कहा यार नदीम तू ये कर रहा है, इससे क्या आगे भाईजान, अभी कोई काम भी नहीं है, क्यों ना अपन समाज सेवी बन जाए, लोगों के काम में कम से कम आए तो सही। लोगों ने कालाबाजारी कर रखी थी, 50 रुपए का मास्क, 100 रुपए का मास्क, 80 रुपए का मास्क, जो 10 रुपए का मास्क था वो 30-40 रुपए का मास्क कर दिया था। लेकिन इसने कहा नहीं भाईजान अपन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और अभी तक ये 7-8 हजार मास्क अभी तक लोगों को अवेलेबल करा चुका है और अभी भी रेगुलर इसका चालू है। इसके पास क्या कपड़ा काफी था, एक टेलर है कुछ कपड़ा रखता था, तो काफी इसका कपड़ा अभी भी और भी है, अभी इसके कारीगर और भी आने वाले हैं। ये सुबह चालू होते 10 बजे और शाम के 5-6 बजे तक मास्क बनाते हैं, 400-500 मास्क इनके पर डे बनते हैं। फिर ये कॉलोनी में आसपास में ये हमारे जो पुलिस वाले आते हैं बेचारे यहाँ ड्यूटी पर, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ मैंने भी काफी सारे आर्य समाज में भी काफी मास्क बांटे, इसके आर्य समाज वाले भी राजा पार्क में हमारे अरबी नगर भाई साहब है, वो भी बड़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। खूब आर्य समाज में 13 हजार पैकेट बनवा रहे हैं और हर जगह बंटवा रहे हैं, वो भी हर जगह। हमने भी एक छोटी सी मुहिम छेड़ी है यहीं कॉलोनी में, हर घर के अंदर से हमने ये थोड़ा स्टेट अनाउंस किया था कि भाई हर घर के अंदर से 2-2 रोटी, 5 रोटी बन रही है और 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लो, तो 2-2 रोटी एक्स्ट्रा के हिसाब से हमारे 3 दिन का रेगुलरिटी आ रही है, 800 रोटी पर डे हमारे पास आ रही है। और हम लोग यही बॉम्बे जी की छतरी के अंदर बैठ के सब्जी बनाते और अखबार में डिस्पोजल टाइप प्लेटें है नहीं हमारे पास अवेलेबल, अखबार में पैकेट बना के जितने भी बाहर के लोग हैं उन सबके घरों में हम प्रोवाइड करा देते हैं ताकि कोई भूखा ना सो सके। और इससे ये देखने को मिलता है कि जो भी आसपास के लोग हैं, मेरी सबसे एक राय है, एक मशवरा है, एक रिक्वेस्ट है कि जो हम ये इंतजार ना करेंगे कोई खाना आएगा नहीं आएगा, अगर ऐसे हम जगह मुहिम छेड़ेंगे, 2-2 रोटी एक्स्ट्रा घर हर घर में कहेंगे, मैंने 2-2 रोटी के लिए कसम से कह रहा हूँ, हमारे चारों समुदाय के लोग यहाँ मिक्सअप रहते हैं, सबके यहाँ से किसी के 5 रोटी आ रही है, किसी के 10 रोटी आ रही है, किसी के 3 रोटी आ रही है, किसी के 15-15 रोटी आ रही है। तो इस तरीके से आप भी एक छोटी सी मुहिम छेड़े और ये दिखाएं कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ कोई भूखा सो ना सो सके, क्योंकि एक आदमी पे लोड पड़ जाता है, अगर उसको कहते हैं 20 परिवार को खाना खिलाना है तो बेचारा नहीं खिला पाता, एक दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, 3रे दिन वो खुद भी सोचेगा नहीं यार मैं कहाँ से प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि पब्लिक के हालात खराब है, पैसा अवेलेबल है नहीं लोगों के पास, बेचारे जैसे तैसे काम चला रहे हैं।
तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज हमारे नदीम भाई को भी थोड़ी दुआ दें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये मास्क बना रहे हैं और ये छोटी सी मुहिम जो हमने छेड़ी है दो रोटी की, इसको आगे से आगे बढ़ाएं, चारों तरफ फैलाएं ताकि हर कॉलोनी में हर परिवार में ये मैसेज पहुंचे तो कोई भूखा ना सो सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।